चेंज कर रहे हो लेकिन चीजें वर्क नहीं कर रही है। नहीं, आप दोनों से सवाल का जवाब पूछूंगा सुशांत भाई और आपसे आकाश पांडे जी, कि आपने एक बात कही कि भाई इंडियन बैटर्स की बात की, इंडियन बैटर्स का नाम नहीं बना स्पेसिफिकली इस सीजन में आते, क्योंकि भाई पिछले सीजन पकड़ के, अब देखो पुरानी चीजों को रोके बात तो हो जाएगी, लेकिन स्पेसिफिकली इस सीजन पे आते हैं, ठीक है चलो। इंडियन बैटर्स इस ऑक्शन के अंदर, इस ऑक्शन के अंदर इंडियन बैटर्स बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली, क्या ऑप्शन था आपके पास इंडियन बैटर्स के लिए जरा बताना मेरे को, ऑप्शन अच्छा ऑप्शन इंडियन बैटर के लिए इस ऑक्शन में, यस आपके पास इस सीजन में ना, मैं भी बता रहा हूं इस सीजन में ऑक्शन में पिक करने के लिए फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आप पिक कर सकते थे अगर आपको इंडियन बैटर्स में पिक करना था, तो एक्सपीरियंस वाइज अगर आपसे पूछ रहे तो मनीष पांडे भी कभी जिंदगी में ना करें, अरे यार कभी जिंदगी में ना करें। अच्छा एक मिनट, एक मिनट अगर अभी आपको बताता हूं, दो मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं अभी आपको बताता हूं, देख लीजिए चलिए। ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, नाम स्किप हो रहा है, अभी बता रहा हूं इंडियन बैटर जब है ही, अरे बढ़िया बता रहा हूं ऑप्शन टेबल के अंदर, अरे अच्छा बताऊंगा, चलो चलो इंडियन बैटर नहीं था, अच्छा नाम बताऊंगा, टेंशन बॉलर ले सकते थे, इंडियन बैटर नहीं था मान लिया, रचिन रविंद्रा के लिए जा सकते थे, डैरिल मिचेल के लिए जा सकते थे, आप पैट कमिंस ने वैसे अभी तक कुछ किया नहीं है सीएस की, भाई ऐसा है ना वो आपके वालों से तो बहुत अच्छा है और लंबा सर्व भी कर लेगा, एक ही सीजन खेलना था, अगले साल तो मेगा ऑक्शन आ रहा है। मैं डैरिल मिचेल भी नहीं बोल रहा भाई, रचिन रविंद्रा के लिए तुम लोगों ने बिड भी नहीं करा, जबकि पूरी दुनिया बोल रही थी बैंगलोर ही आ रहा है, क्योंकि वो स्लॉट फुल था हमारा, वो स्लॉट फिल था हमारा, फैमिली में खेलेगा खेलेगा ना, अबे उसकी बात नहीं है भाई, स्लॉट की बात नहीं है, वो कहीं पे भी खिला लेते वो बंदा ड्रॉप ही नहीं होता, वो बंदे के लिए तुम्हें जाना ही चाहिए था, जो ढंग के प्लेयर उनके लिए, अलजारी को लेने का क्या तुक था वैसे। अच्छा आपने बोला ओवरसीज बैट्समैन, देखो ऐसा बहुत ऐसा नहीं है कि आरसीबी के पास नहीं है, बहुत सारी टीमों के पास नहीं, लेकिन वो अच्छा करती है। एसआरएच के पास कौन है ओवरसीज प्लेयर, मतलब ओवरसीज ही है सारे, सारे ओवरसीज अच्छे प्लेयर है, इंडियन बैटर कौन है जो रिलायबल हो, इंडियन बैटर चलिए अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा अभी का अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड, नाम नहीं है अभी अच्छा कर रही है, ऐसी बात नहीं है, पिछला सीजन अच्छा खेला, एक सेकंड आपने पूछा इंडियन बैटर, लेकिन ऐसे तो अभिषेक पाटीदार भी अच्छा किया, अभिषेक शर्मा एक सेकंड, अभिषेक शर्मा एक नाम है अच्छा कर रहा है, राहुल त्रिपाठी अभी नहीं चल रहा हाँ। लेकिन पहले अच्छा करा, इंडिया खेल चुका है, मयंक अग्रवाल क्या कर रहा है इतने सालों से, मान लिया मयंक अग्रवाल के इतने सालों नहीं, एक दो सालों उसके अच्छे नहीं गए मान लिया मैंने, लेकिन अभिषेक शर्मा राहुल त्रिपाठी ये आपका अब्दुल समद पे उन्होंने गलत पंगा लिया हुआ, उसको लगातार लगातार खिलाया जा रहा है, लगातार खिलाया जा रहा है, लेकिन एसआरएच की स्ट्रेटेजी अगर ओवरसीज की भी है ना, फिर उनके पास ओवरसीज तगड़े हैं, तुम्हारे पास ओवरसीज भी ऐसे तगड़े हैं, बकवास मैक्सवेल चला कब है, दो सीजन चला है, पिछले सीजन की परफॉर्मेंस बताओ, पिछले सीजन नहीं पिछले सीजन की बता रहा हूं मैं, नहीं चल रहे तो कब तक बैठे रहोगे आप लोग, आज भी उसने बॉल से बैटिंग से नहीं चला, बॉलिंग से दो विकेट लिए, एक सेकंड में ग्लेन मैक्सवेल की पिछले साल की परफॉर्मेंस बता देता हूं, टू बी प्रिसाइज एक सेकंड, क्योंकि यार मैक्सवेल की परफॉर्मेंस इस सीजन नहीं आ रही मानता हूं मैं, लेकिन उसको वापस क्यों रखा गया उसका रीजन भी है, देखिए नीचे आते हैं 2023 के सीजन में 14 मैचेस के अंदर इनके 400 रन है और एवरेज है 33 की, स्ट्राइक रेट की बात करें 183 की स्ट्राइक रेट है, तो क्या मैक्सवेल को रिलीज करना बनता था, बिल्कुल रिलीज की बात नहीं हो रही बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं, तो फिर यार एक उसके एक दो सीजन आते हैं 400 रन का सीजन आप गिरा रहे हो यार, उसके दो सीजन भाई ठीक है आप 400 रन का सीजन गिरा दो जी बहुत बड़ी बात हो गई कोई, लेकिन उसने डिसअपॉइंट ही करा, पिछले बार भी आप यू डिड नॉट मेक इट टू द प्लेऑफ्स, और जब जब आपकी ऐसी बारी आई थी जहां पे आपको जिताना था वहां पे विराट ने बैक टू बैक दो सेंचुरी लगाई थी, ना फाफ ज्यादा कुछ कर पाया ना ही आपके लिए मैक्सवेल कुछ कर पाया, तो फायदा क्या हुआ, गुजरात टाइटंस ने आपको हरा के आप बाहर चले गए, प्ले आप प्ले ऑफ भी नहीं खेल रहे हो यार, स्ट्रेटेजी फेल हो रही ना क्या करें, तो स्ट्रेटेजी कब बदलेगा भाई, स्ट्रेटेजी वो तो मैनेजमेंट के ऊपर है भाई कि वो कब बदलेंगे, वो हम अगर हमारे बोलने से होता तो हम कब की ट्रॉफी जीत जाते।